मेरठ में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनजागरण रैली को संबोधित करने मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ की यह धरती क्रांतिकारियों की धरती है और बीजेपी इस धरती की अहमियत समझती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सार्वजनिक सभाओं का शुभारंभ क्रांतिकारी की धरती से किया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया गया। मेरठ के माध्यम से पूरे देश को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो वादा किया है उसके लिए चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े हम पूरा करेंगे। ऐसे लोगों को भी मैं देख रहा हूं कि जिनकी अवस्था 75, 76 साल, 78 साल की हो गई है, वह भी सार्वजनिक सभा में भाग लेने के लिए आए हैं। इसलिए बहनों भाइयों, जैसा मैंने कहा कि बहुत दिनों के बाद आज जहां उन्होंने CAA पर बोलते हुए कहा कि देश के मुसलमानों को CAA के तहत छुआ भी नहीं जाएगा, बल्कि विपक्षी पार्टी लोगों को भड़काने का काम कर रही है और उनके दिमाग में भ्रम पैदा कर रही है कि उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए, जो कि गलत है, बल्कि हम नागरिकता दिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज अगर धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे? क्या हम यह अपराध कर रहे हैं? इसलिए हम CAA लेकर आए। संदेह चाहे कोई भी कर ले, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर नहीं सोचता है। हमारा प्रधानमंत्री भी सोचता है तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर सोचता है। सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, यह है हमारे प्रधानमंत्री का नारा। लेकिन कुछ ऐसे ताकते हैं जो कि हिंदू और मुसलमानों को बराबर बांट करके भारत में लंबे समय तक वह राजनीति करती रही हैं और सत्ता का स्वाद चखती रही हैं। लेकिन हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। हम लोगों ने इस नागरिक जो यह बिल था, इस बिल को भारत की संसद में लाकर हम लोगों ने पारित किया है। कुछ ताकतें इसका विरोध कर रही है जगह जगह। हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल रहे थे, ये बता रहे थे, महात्मा गांधी ने भी 1947 में ये कहा था धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। तो हमें इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यदि उनके ऊपर कोई जुल्म ढाला जाता है, उनका कोई धार्मिक उत्पीड़न होता है, तो उनके प्रति भारत की सरकार को संवेदनशील रहना होगा। यह महात्मा गांधी ने कहा था। उनमें से अधिकांश दलित हैं, कमजोर वर्गों के लोग हैं, गरीब हैं, जिस प्रकार की अदालत की जिंदगी जी रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें नागरिकता देना यह भारत का धर्म है। भारत राष्ट्र ने अपने धर्म का पालन किया है। कहना भाइयों, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप घर घर जाइए, जनता को यह बताइए कि सब सारी बातें देश की जनता को गुमराह करके देश को कमजोर करना चाहती हैं। इनकी साजिश में, इनकी चक्र में किसी भी सूरत में अपने को न डालें। यही सबसे अपील करते हुए, और आप सभी को बहुत देर से आप बैठे हैं इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद। आज पूरे विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है। हम जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। हम भारत की संस्कृतियों पर विश्वास करते हैं। हम भारत की सीमा में रहने वाले सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, वह चाहे किसी भी धर्म और जाति के क्यों ना हो। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम विश्व को शांति का संदेश देते हैं। हम भारत को ही आर्य नहीं बनाना चाहते, बल्कि पूरे विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। अगर कोई देश के नागरिकों को बांटने का काम कर रहा है तो उसका जवाब तो हिंदुस्तान की जनता खुद दे सकती है। हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं। इस्लाम है, बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है, अफगानिस्तान का धर्म इस्लाम है, लेकिन भारत का धर्म हिंदू नहीं है। भारत अपने को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहता है। जिन राज्यों का, जिन देशों का अपना धर्म है, वही ना अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न होगा। किस देश का अपना कोई धर्म नहीं है जो पंथ निरपेक्ष है, वहां पर तो धार्मिक उत्पीड़न का सवाल खड़ा ही नहीं होता। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न होगा,
और वह यदि मजबूरन यदि भारत आते हैं तो उनको नागरिक बनाने का प्राविधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। लेकिन फिर भी मुसलमानों को नागरिकता संशोधन का मीनिंग नहीं पता था, इस वजह से मैं यहाँ आया और लोगों को बताया कि नागरिकता संशोधन के माध्यम से मुसलमानों को, किसी भी मुसलमान को देश के बाहर नहीं निकाला जाएगा। मेरठ से द भारत टाइम्स के लिए सोनू की रिपोर्ट। उन्होंने CAA के बारे में जो भ्रम फैला रखा है विपक्षी पार्टियों ने, उसको पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए रैली थी कि जो लोगों के बारे में राजनीतिक पार्टियाँ गलत विरोध कर रही थी और गलत भ्रामक विचार कर रही थी, प्रचार कर रही थी कि CAA कानून जो आया है ये लोगों को, मुस्लिमों को शहर से बाहर कर देगा, देश से बाहर कर देगा, तो इन विचारों को ख़त्म करने के लिए ये CAA की रैली थी कि CAA जो है ये कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है।